नमस्ते दोस्तों, ऑल इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा के अंदर आज मैं आपको कल एक वृद्ध आदमी का मेरे पास व्हाट्सएप में आया कि आप खाली सेक्स ही सेक्स की दवाइयां अधिक बताते हो, हमारे घुटने जवाब दे गए, हमारी पीठ जवाब देगी, इनके बारे में कोई ऐसी दवा बताओ जो आयुर्वेदिक हो और टेबलेट में हो, लेने में आसानी और हमें फ़ायदा भी हो। तो मैंने उनसे वादा किया कि मैंने कहा मैं कल की तारीख के अंदर पहला काम ये करूँगा। तो जिस दवा का नाम मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल आयुर्वेदिक है और इसको सल्लकी के नाम से पुकारा जाता है। ये एक पेड़ होता है या वनस्पति होती है सल्लकी, कहीं इसे सालाकी भी कहते हैं, कहीं सल्लकी कहते हैं। बाज़ार में आपको इसकी बनी हुई कई कंपनियों की गोलियां, कैप्सूल सब कुछ मिलेगा, लेकिन ये लोग बहुत महंगे भाव के देते हैं, लेकिन ये इतने महंगे भी नहीं है। तो जो कोई घर पे बनाना चाहे तो इसका पाउडर ऑनलाइन ख़रीद लें और 500 मिलीग्राम की टेबलेट बना लें और रोज़ एक गोली उसका सेवन करें, ऊपर दूध पिए। और नहीं तो ये बाज़ार में इतनी महंगी नहीं है, आराम से आप बाज़ार में जाइए और इसको परचेज कीजिए। मैं आपको पहले इसका दिखाता हूँ, ये पैकेट सल्लकी। अब ये उल्टा दिखता है या कैसे दिखता है मैं क्या बताऊँ आपको, यूँ करके दिखा देता हूँ। SALLAKI सल्लकी। इसके अंदर ये तो बहुत सबसे ऊंची है, ये थोड़ी महंगी है। इसके अंदर इसकी 10 गोली की कीमत 165 रुपया। आपको इतनी महंगी नहीं खरीदनी। ये इसमें एक ही पत्ता निकलता है, एक पत्ता निकलता है और ये गोली का रंग है। आपको ये नहीं खरीदनी क्योंकि ये कॉस्टली है। आपको हिमालय ड्रग की सल्लकी खरीदनी है जो महंगी नहीं है। इसके अलावा और जो फार्मेसियाँ हैं वो भी 4-4, 5-5 रुपए की गोली देते हैं, लेकिन उनके रिजल्ट नहीं आएंगे। हिमालय ड्रग्स की आप खरीद सकते हैं। अब मैं इसके बारे में आपको ये नाम बता दिया, फोटो बता दी, अब थोड़ा समझा देता हूँ। बहुत ही उत्तम जड़ी बूटी है जिसका प्रयोग रोगों को ठीक करने में किया जा सकता है। सल्लकी के पेड़ की छाल राख के रंग जैसी होती है और इसके पत्ते नीम की तरह होते हैं। प्राय आयुर्वेदिक वैद्य सल्लकी का प्रयोग जोड़ों के दर्द और सूजन की परेशानी को ठीक करने के लिए किया जाता है। जोड़ों में दर्द और सूजन, इसके अलावा भी सल्लकी का इस्तेमाल अन्य कई तरह की बीमारियों को भी ठीक करने में किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार सल्लकी पचने पर आसान, स्वाद में तीखी थोड़ा कड़वी और कसैली होती है। ये वात पित्त और कफ तीनों दोषों का ये नाश करने वाली है। ये टूटी हुई हड्डी को जोड़ती है और दर्द, जलन, प्रदर और अनपच, कब्ज, बवासीर इन रोगों के अंदर भी लाभकारी है। घाव, मोटापा, योनि विकार, खून की गर्मी और पेचिश में भी ये उपयोगी है। सल्लकी के प्रयोग से सूजन और दर्द को बहुत जल्दी आराम होता है।
इसके पत्तों को हाथी बड़े चाव से खाते हैं, इसलिए इसे संस्कृत में गज बक्षा भी कहते हैं। ये सलकी प्लांट लगभग 18 मीटर ऊंचा मंझोले से बड़े आकार का होता है। ये फैली हुई शाखाओं और ढेर सारे पत्तों वाला पेड़ है। इसका तना गोंद युक्त और छाल घूसर चिकनी और पतली होती है। छाल लालिमा युक्त पीली या हरा रंग लिए सफ़ेद रंग की तथा कागज के समान छूटने वाली होती है। अनेक भाषाओं में इसके जो नाम हैं वे मैं बोल देता हूँ। इसका जो लैटिन नाम है बोसविलिया सेरेटा और ये बरसटेसी कुल का है। इस देश और विदेशों में अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे इंग्लिश के अंदर इंडियन ओलिबनम ट्री के नाम से इसको पुकारा जाता है, वाइट डैमर भी इसको कहते हैं और इंडियन प्रेनकिनसेंस ट्री भी इसको बोलते हैं। संस्कृत के अंदर सुवाहा, सुरभि, रसा, सुखवा, गज बक्षा यानी कि हाथी जो खाता है गज बक्षा, शल की, महरूणा, कुंद्रू की, कल की, बहुस्रवा इन नामों से पुकारते हैं। हिंदी में सलही कहते हैं, सलही कहते हैं और इसे कहीं कहीं गूगल लोबान के नाम से भी पुकारते हैं। उर्दू के अंदर इसे कुंदरू लोबान के नाम से पुकारा जाता है, उड़िया में लोबान और कन्नड़ में धूप, गुजराती में धूप, तेलुगु में अनुंगा, पंजाबी में साल्टी, मराठी में सलाई, मलयालम में पालन काम, अरबी में बास्तेज, ये इनके नाम हैं। बाजार में आपको सलकी के नाम से मिलेगी। इसके फायदे, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है सलकी। इसके फायदे ये बहुत कम भेद होते हैं ना जो सलकी लिखते हैं, लिखते ही नहीं हैं क्योंकि ये बहुत सस्ती है। ये तो मैं महंगी कोई वजह से लेके आया, वो एक अलग बात हुई। बाकी ये सस्ती है, 3 से 5 रुपए के अंदर गोली इसकी आ जाती है बढ़िया हिमालय की। तो ये सस्ती होने की वजह से वैद्य लोग इसको क्यों नहीं लिखते, लिखते नहीं है क्योंकि इनमें क्या कमीशन बनेगा इनका। हाँ, सलकी के जो और लाभ हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सिर दर्द के अंदर सलकी की छाल को पीसकर ललाट पर लगाने से सिर दर्द ठीक होता है। आँखों के रोग में सलकी के रस में चीनी शहद मिलाकर काजल की तरह लगाने से आँख आने की परेशानी ठीक होती है। दांत के दर्द में सलकी की छाल को चबाने से दांत का दर्द, दांतों का हिलना ठीक हो जाता है, मुंह की बदबू ठीक हो जाती है। गले के रोगों के अंदर सलकी के गोंद को गुनगुने पानी में लेप करें, इसे गंडमाल यानी गले की गांठों की परेशानी में लाभ होता है। घाव सुखाने के लिए सलकी कटे या खुले घाव को सिलाई करने के बाद उस पर रेशम का पतला कपड़ा रख दें, इसके बाद लोबान सलकी के फल का चूर्ण छिड़क कर बांध दें, घाव जल्दी ठीक हो जाता है। और सांस के फूलने की परेशानी सलकी गूगल तथा पद्म काष्ठ के बारीक चूर्ण में घी मिला लें, इसे जला लें, इसे इसका धुआं को सूंघने से सांस फूलने की यानी कि सांस जिनका फूलता है में आराम मिलता है। 204 ग्राम सलकी चूर्ण में घी तथा शहद विषम मात्रा में मिला लें। इस सेवन करने से सांस का फूलना बंद हो जाता है।
पेचिस के अंदर भी ये लाभदायक है। बेर, अर्जुन, छाल और जामुन, आम, सलकी तथा तेजस, इनके छाल का बारीक चूर्ण 1 से 2 ग्राम चीनी या शहद में मिलाकर चाटने से पेचिस में आराम होता है। सलकी पेट, सलकी बेर, जामुन, प्रियाल, आम तथा अर्जुन की छाल को बारीक पूस कर 2 ग्राम एक साथ अथवा अलग अलग दूध में घोल लें। इसमें शहद मिलाकर पीने से खूनी पेचिस ठीक होती है। चिरौंजी, सेमल, पीपल, सलकी तथा काला फलास की छाल 2 से 4 ग्राम बारीक चूर्ण को बकरी के दूध में घोल लें। इसे शहद मिलाकर पीने से खूनी पेचिस ठीक होती है। उपदंश और सिफिलिस रोग में भी ये लाभ करती है। जोड़ों का दर्द यानी कि आर्थराइटिस में खास काम है इसका। इसका गोंद को गुनगुने पानी में घिसकर जोड़ों पर लगाने से सूजन और जोड़ों का दर्द ठीक होता है। सलाकी का इस्तेमाल घाव जल्दी सुखाता है। ये जो गोली बनी है अभी मैंने आपको दिखाई है, तो ये इसके छाल के पाउडर की गोली बनी हुई है। आपको ऑनलाइन सलकी का पाउडर भी मिल जाएगा, लेकिन कहाँ ऑनलाइन के पचड़े में पड़ते हैं। पाउडर मंगाएंगे, गोलियां बनाएंगे, क्या फ़ायदा जब बनी बनाई मिलती है। और हिमालय जैसी जिनके ऊपर यकीन किया जा सकता है, ऐसी फार्मेसी हिमालय ड्रग्स जो आज की नहीं है, बरसों पुरानी है। बहुत से लोगों को तो अभी ये पता ही नहीं है, वो तो ये समझते हैं कि ये फार्मेसी किसी हिंदू की है। नहीं, ये हमारे भाई मुसलमान की है। और जितने ईमानदारी से वो दवाइयाँ इसके अंदर दे रहे हैं हिमालय ड्रग्स में, इनका लिव 52 को कौन नहीं जानता। इनकी प्राइस, हर दवा एक अच्छी दवा है, कामयाब दवा है। अभी ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर दवा से हर रोग बिल्कुल ठीक हो जाए, ऐसा तो कुछ भी नहीं। अगर ऐसा हो तो फिर भगवान ही बन जाए आदमी। फिर भी ये और जो लल्लू चप्पू बड़ी बड़ी फार्मेसियां हैं, इनकी सबकी प्योरिटी से हिमालय ड्रग प्योरिटी अधिक देता है, क्वालिटी अच्छी देता है और ज़्यादा डंग फंग नहीं करता, कायदे की चीज बनाता है। हाँ, इसका इस्तेमाल घावों के ऊपर इसको लगाने से फायदा होता है। दाद को भी ये ठीक करती है और बुखार उतारने में भी इसका फल का चूर्ण 2 से 4 ग्राम देने से बुखार ठीक हो जाता है। ये लिखते हैं कि इस औषधि का प्रयोग करने के लिए चिकित्सक की सलाह लें, तो इसमें कोई दोष वाली बात नहीं है। चिकित्सक की सलाह का मतलब ये होता है कि आप कोई वैद्य से राय करके लें। वैसे आजकल जो दुकानदार हैं वो वैद्यों से भी ज़्यादा समझते हैं जो इनको बेचते हैं, तो थोड़ा ये ध्यान में रखने की बात है। और कोई वैसे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, मैं इसका काफ़ी प्रयोग किया है, कईयों को दिया है। इसके सेवन का तरीका, सलकी का बाज़ार में जो सलकी के कैप्सूल आते हैं वो ना लें। क्यों नहीं लें कैप्सूल, ये मैं फिर बताऊंगा, लेकिन टेबलेट लें। कैप्सूल को कोई भी खोल के कोई भी कुछ भी उसके अंदर भर सकता है, टेबलेट के अंदर कुछ भी नहीं कर सकता। कैप्सूल बारिश में पड़े रह गए तो ख़राब हो जाते हैं, गोली ख़राब नहीं होती, इसलिए आप कैप्सूल न लेकर के गोली लें। ये लिखते हैं कि अगर आप कैप्सूल का प्रयोग करते हैं तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से राय करें। इसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट ये हो सकते हैं, हुए नहीं है लेकिन हो सकते हैं। सलकी कैप्सूल के गैस और जलन की समस्या हो सकती है। गर्भावस्था में बहन बेटियों को नहीं देनी चाहिए। बस इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा।
ये सलग की। देखो मैं जहाँ तक मेरी कोशिश होती है वो ये होती है कि इस तरह की चीज़ बताई जाए जो आसानी से आपको उपलब्ध हो। ये तो करीब 16.5 रुपये की एक गोली है, तो एक गोली सुबह एक गोली शाम को लेना बड़ा भारी पड़ जाता है। आपको हिमालय ड्रग के सलग की मैं समझता हूँ कि बहुत सस्ती मिलेगी। आप यूँ मान के चलो कि मेरे को अब याद नहीं रहा, 3 से 5 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगी। ये कोई इतनी महंगी आइटम नहीं, इसके अंदर बेईमानी होने का भी डर नहीं। तो इसकी कीमत अधिक क्यों रखी है ये मैं आपको इसका कारण बताता हूँ। जो अगर पैसे वाले हैं तो ये काम में ले सकते हैं। ये कंपनी का नाम बताता हूँ मैं, GUFIC इस कंपनी की सलग की 10 का पत्ता आएगा और MRP 165 रुपये है। ये मैंने एक साल पहले लिया था, अब हो सकता है कि 2-4 रुपये इधर उधर हो। तो जो पैसे वाले हैं जिनकी सामर्थ्य है वो ये खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले कुछ दिन एक गोली लेवें, उसके बाद 2 टाइम्स यानी कि एक गोली सुबह लें, एक गोली रात को लें और गाय के दूध से लें, पानी से लेकर के ऊपर दूध पी लें। बाकी दूध जरूर चाहिए, बिना दूध के हर चीज़। आयुर्वेद के अंदर एक तो दूध, एक शहद और एक गुनगुना पानी, ये 3 जो चीज़ें हैं ये एक अनुपान है आयुर्वेद के अंदर दवा देने का। अगर कफ संबंधी कोई रोग है तो उसको दवा शहद में देनी चाहिए। वात का भी अगर कोई रोगी है तो उसको दवा शहद में देनी चाहिए। लेकिन अगर कोई पित्त प्रकृति का रोगी है, एसिडिटी डकार फकार ये आती है, तो उसको या तो मक्खन के साथ दीजिए या गाय के दूध के साथ दीजिए। और तीनों ही प्रकृति वालों को गाय का दूध सबसे अच्छा अनुपान है, न शहद असली और न और कोई चीज़ असली। गाय का दूध ना मिले तो गुनगुना पानी, ऊपर चाय पी लें बाद में, आधी घंटा बाद में ले सकते हैं आप। और किनको कितना फ़ायदा होता है कमेंट्स बॉक्स में वो ये ज़रूर लिखें कि सलग की से किनको कितना फ़ायदा होता है। कल मैं एक वीडियो और दूंगा यूनानी, वो भी आर्थराइटिस घुटनों के दर्द के लिए वो भी दूंगा, लेकिन उसे घर पे बनाना होगा। दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।